साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानेंगे जो कि हमें साल 2050 तक जरूर देखने को मिलेंगी। ये टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगी। तो आइए जानते हैं 2050 की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के बारे में, और वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। 2050 तक कई सारे लोगों की नौकरियां पूरी तरह से ही खत्म हो जाएंगी। तब तक इंसानों की जगह इंटेलिजेंट रोबोट क्योंकि ले लेंगे। ये रोबोट्स घर का खाना बनाने से लेकर होटल के वेटर तक का काम करेंगे। यहाँ तक कि रोबोट्स डॉक्टर को भी रिप्लेस कर देंगे, जहाँ हमारा इलाज और सर्जरी तक यही रोबोट करते हुए हमें दिखाई देंगे। इस टेक्नोलॉजी का ये जरूर फायदा हमें होगा कि 2050 तक हर बीमारी का इलाज मुमकिन हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी जो कि 2050 की टेक्नोलॉजी से दूर नहीं होगी। और तो और, रोबोट्स को लोग अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रोबोट्स के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकेंगे। इतना ही नहीं, 2050 तक हम तो रोबोट्स के साथ लीगली शादी भी कर पाएंगे। रोबोट्स को लाइफ पार्टनर बनाने काम से ही बात तब हो जाएंगी। साल 2050 तक हर तरफ सड़कों पर सेल्फ ड्राइव कार ही दौड़ेंगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर ही हो जाएंगे। बस आपके एक इशारे पर ये कार पार्किंग से निकलकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज के समय में साइंटिस्ट ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि हर चीज का ट्रांसप्लांट संभव है, और किसी भी प्रोस्थेटिक या फिर मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स को ह्यूमन बॉडी में जोड़ा जा सकेगा। हाल ही में आपने ये बात तो सुनी ही होगी, एक यूट्यूबर जैक पॉल ने अपने हाथों में $3 लाख खर्च करके अपने हाथों में एक रोबोटिक ब्लॉक कैमरा फिट करवाया, जो कि मुट्ठी को बंद करते ही ऑटोमेटिकली ओपन होकर चलते फिरते वीडियोस और फोटोज को क्लिक कर सकता है। अब आप इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2050 में हमें और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेस्ला कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने एक न्यूट्रल इंक की शुरुआत की है, जिसमें वो इंसानों के ब्रेन में एक चिप लगाएंगे। इसके जरिए इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ा जा सकेगा, और उस इंसान की जिंदगी की सभी यादों को सेव भी किया जा सकेगा। 2050 तक कई सारी स्मार्ट सिटीज बन चुकी होंगी, जो कि बहुत सी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। हर छोटे से छोटे गाँव में तक इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। फ्यूचर में हमें स्मार्टफोन्स में भी काफी तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2050 तक हमें कुछ इस तरह के ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन और टैबलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसके आर पार भी हम देख पाएंगे। 2050 तक हमें स्मार्ट न्यूज़पेपर भी देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आज के समय में हम न्यूज़पेपर को एक बार पढ़ के बाद में उसे फेंक देते हैं या फिर किसी काम में लगा देते हैं, लेकिन 2050 तक बाकी चीजों की तरह ही हमारा न्यूज़पेपर भी एडवांस और स्मार्ट हो जाएगा। जिस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक ऐसा न्यूज़पेपर होगा जो कि रोज सुबह अपने आप अपडेट होकर आपको रोज की ताज़ा खबरें बताएगा। इसके अलावा आप इसे फोल्ड करके साधारण न्यूज़पेपर की तरह ही कैरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह है साल 2050 तक आने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको क्या लगता है, ये टेक्नोलॉजीज इंसानों के लिए एक वरदान बनेंगी या फिर तबाही का कारण? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey, yo!